बस इतना सा गाओ, मुझे तो इससे भी ज्यादा दर्द मिलना चाहिए, इसी के तो लायक हूं। सोना सोना, तुम रो क्यों रही हो? वो मुझे बहुत दर्द हो रहा है इसलिए। हे कृष्ण भगवान, मैं दवाई लगा देती हूँ। हाथ दिखा। तुमसे एक बात पूछूं, अभी अभी कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ वो क्या था? क्या मतलब? मतलब ये कि हमारी बातें सुनकर अचानक ही तुम्हारे हाथ से प्लेट गिर के टूट कैसे गई? सोना, मैं सब समझ रही हूँ और देख भी रही हूँ। पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे स्वभाव में कुछ परिवर्तन आया है, थोड़ी उदास रहने लगी हो, ऐसा लग रहा है कि कोई बात छिपी हुई है तुम्हारे मन के अंदर और अंदर ही अंदर परेशान हो रही हो। सोना, मैं तुम्हें आश्वस्त करती हूँ, यदि तुम मुझे बताओगी कि समस्या क्या है तो मैं तुम्हारी अवश्य सहायता करूँगी। बताओ क्या बात है, क्या सोच रही हो? अरे वाह, आज क्या हो गया? आज सूरज पश्चिम से उगा है क्या? मेरा मतलब है, दो नफरत करने वाले आज इतने प्यार से बैठ के बातचीत कर रहे हैं। क्या बात है वेवान जी? आप सोना से इतनी प्यार से बातचीत करके क्या जानना चाहती हैं? आपके इरादे। स्पष्ट, सीधे और सच्चे शब्दों में कहूं मधुबेन, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे परिवार को हानि पहुंचाना चाहती हैं। मैं? हाँ। मैं कुछ समझी नहीं। पर मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ। सोना, तू बाहर जा, मुझे वेवान जी से बहुत जरूरी बातें करनी है आज। खुलकर बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? आपको मेरी किस बात से तकलीफ है? तकलीफ है मुझे, मुझे इस बात से तकलीफ है कि आपने अपने असली चेहरे पर एक नकली मुखौटा लगाया है। आपका असली चेहरा तो कुछ और ही है, और मैं कोकिला मोदी। आपके इस मुखौटे को हटाकर आपको बेनकाब करना चाहती हूँ, ताकि आपकी असलियत सबके सामने आए। ध्यान रहे, यदि आपकी किसी भी करतूत से मेरे परिवार को या परिवार के किसी भी सदस्य को हानि पहुंची,
मैं आपको उसी दिन धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। अरे वाह, तो अब आप मुझे धमकी देने पे उतर आई है। चलो कोई बात नहीं, ये बात आप अपनी गोपी बहू के सामने कहिएगा। मैं उसी समय ये घर छोड़कर अपने आप चली जाऊंगी। अवश्य, आपके बद इरादों के खिलाफ सबूत मिल जाए, मैं स्वयं गोपी वहू से आपके विषय में बात करूंगी और आपका असली चेहरा गोपी वहू को दिखाऊंगी, क्योंकि बिना सबूत के मैं आपका असली चेहरा दिखाकर गोपी वहू को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपको अपनी गोपी का बहुत ज्यादा ख्याल है ना? नहीं मधुबेन, आपके लिए वो मेरी गोपी बहू है, लेकिन वास्तविकता में गोपी बहू मेरे लिए बेटी से बढ़कर है, इसलिए ध्यान रहे। आपको चेतावनी दे रही हूं मधुबेन, शतरंज के खेल में जिस तरह से घोड़ा टेढ़ी चाल चलता है, यदि वैसा आपने किया तो कृष्ण भगवान की सौगंध, मैं कोकिला मोदी आपको उसी क्षण घर से बाहर फेंक दूंगी, और वो दिन आपके लिए मेरे घर में आखिरी दिन होगा। अफसोस कोकिला मोदी, जिस आखिरी दिन की तुम बात कर रही हो ना, वो आखिरी दिन मैं आने ही नहीं दूंगी। कोकिला मोदी बिना पूंछ की तरह पीछे ही पड़ गई, सारा दिन सवाल, ये कहां से आया, वो कहां से आया, तेल कहां से आया, चोट कहां से लग गई। बस एक मौका मिल जाए मुझे, एक बार ऐसा करूंगी ना, एक ही बार में कोकिला मोदी खलास। अरे दो भाई, देख के नहीं चल सकती क्या? कल मुई आंखों नथी आपी भगवान ने तने, देख के चल। ये गोरा भी ना फिर से फोन काट दिया मेरा, क्या करूं? ये किसका नंबर है? हेलो, देखो देखो फोन मत काटना, मैं मधु बोल रही हूँ, गोपी की माँ। अक्कल नहीं ओथमीर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने मना किया है ना फोन करने के लिए। अगर तुमने फोन नहीं रखा तो अम्बे माँ की कसम, वहाँ आके चप्पल से तेरी धुलाई करूंगी, समझी? रख फोन। तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे तो मेरी बात सुन। अगर इस बार तूने मेरी बात नहीं सुनी ना, तो अम्बे माँ की कसम तू मुझे नहीं अपने आप को चप्पल से मारेगी। तारी तो तू, मेरे पास ऐसी खबर है जिसको सुनकर तेरे पैरों तले जमीन खसक जाएगी। अच्छा जरा मैं भी तो सुनूं,
ऐसी कौन सी खबर है तुम्हारे पास? मैं इस समय गांधी बाजार में हूँ और तुमने भांग पी है क्या? है? तुम्हें क्या लगता है? तुम बोलोगी और मैं मान लूंगी? अरे मेरी बात तो तुम मेरी बात सुनो। आज के बाद दोबारा अगर मुझे फोन करके परेशान किया तो मैं भूत बनके तुम्हारी छाती पे तांडव करूंगी, समझी? ए! इतनी जुबान चलाती है ना, अगर उतनी अकल चलाती तो पता नहीं कहां से कहां पहुंची भी होती। ए! अकल की अंधी, अकल लिखना जानती है ना तो लिख के रख ले। मुझसे हाथ ना मिला के ना ये तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी धूल होगी। कितनी मजबूर पागल औरत मुझे भी पागल कर देगी। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।